ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम टू द दूट्यूब चैनल सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था एलिएशन एंड सप्टेशन के बारे में तो आज का हमारा टॉपिक है वो है एफर्ड नंबर सेकंड यानी कि जो है हाईएस्ट आईडिली ऑफ क्योर ठीक है तो शुरू करते हैं और सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है इस पैरा में वो है क्योर इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ आर्ट इन नेवर ग्रोट अबाउट बाई नेचर ये कहा था स्टोर क्लोज ने और इसका मतलब ये है स्टोर्ट क्लोर्स ने ये कहा था कि जो क्योर है वो एक रिजल्ट होती है एक आर्ट का यानी कि uh, क्योर जो होती है मतलब हम करते हैं मतलब मैंने है एक थ्रू द प्रोसेस कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कुछ लॉस को फॉलो करते हुए देन फिर हम लोग है ना क्योर की तरफ जाते हैं ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ है ना नेचर से पॉसिबल नहीं होती ठीक है तो ये है नेक्स्ट uh, जो है uh, ये पैराम लिखा हुआ है कि आफ्टर एक्सप्लेन दिख आगे इस पर लिखा हुआ है कि हैनीमैन जो थे मास्टर हैनीमैन उन्होंने जब है ना फर्स्ट एफरेंस बताया था कि फिजिशियन का मिशन क्या है फिजिशियन का मिशन है और कि रिस्टोर द सिक टू हेल्थ यानी कि जो सिक है उसको हेल्थ की हेल्थ की कंडीशन में है ना रिस्टोर करना ठीक है उसे क्योर करना ठीक है हैनीमैन ने देन इसी को ही है ना प्रोसीड किया अपने एफरेज नंबर सेकंड में एंड एफरेंस नंबर सेकंड में उन्होंने बताया है हाई आइडियल ऑफ क्योर के बारे में ठीक है हाई स्टाइडल ऑफ क्योर क्या होता है कि हाई स्टाइडल ऑफ क्योर की मतलब जो एक क्योर है वो एक अपनी आइडियल फॉर्म में क्या होती है ठीक है तो उन्होंने कहा है कि इफ रिस्टोरिंग द सिक टू हेल्थ टू क्योर इज दी ओनली मिशन यानी कि अगर सिक को जो है रिस्टोर करना ही जो फिजिशियन का मिशन है तो ये जो क्योर होती है ना इसको हम लोग है ना अचीव करने के लिए आ, क्या प्रोसेस है मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम लोग है ना इस जो क्योर है इस तक क्या पहुंच सकते हैं ठीक है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये एक हाईस्ट आइडियल ऑफ क्योर है ओके तो ऑफ क्योर जो है वो तीन हेडिंग्स के तीन हेडिंग से हम लोग समझ सकते हैं यानी कि जो हाइस्ट क्योर है उसमें तीन चीजें जो होती हैं जो कि फंडामेंटल होती हैं ठीक तो पहली चीज क्या होती है और हाइस्ट एडल ऑफ क्योर में पहली चीज है कि जो क्योर होनी चाहिए वो रैपिड जेंटल एंड परमानेंट होनी चाहिए ठीक है यानी कि जो क्योर है वो रैपिड होनी चाहिए यानी कि जल्दी होनी चाहिए है ना जेंटल होनी चाहिए यानी कि है ना उसमें ज्यादा है ना तकलीफ नहीं होनी चाहिए जितना हो सके है ना पेशेंट को आराम से चीए. चीए, लो है ना जेंटली है ना क्योर करना चाहिए एंड परमानेंट होनी चाहिए परमानेंट का मतलब ये है कि क्योर करते वक्त कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जो सिम्टम्स है वो बार 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 जो है रिअपेयर हो रहे हैं ठीक है तो वो परमानेंट होना चाहिए यानी कि बाई रूट है ना उसको हम लोग है ना इराडिकेट करेंगे ओके देन जो सेकेंड uh, हेडिंग है हाई साइड क्योर की या सेकेंड मेन थिंग है वो क्या है द क्योर द्योर मीन्स रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज फ्राम इट सूट्स यानी कि जो क्योर होनी चाहिए ट्रो मायने में यानी जो अपनी आइडियल फॉर्म में उसमें क्या होना चाहिए कि रिमूवल होना चाहिए रिमूवल या डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज होना चाहिए फ्रॉम इट सूट्स यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो कोई भी डिजीज है, उसको है ना सुपरफिशियली है ना उसको इराडिकेट किया है जो डिजीज है उसको हम लोग है ना उसको खत्म करेंगे रूट से यानी कि जैसे कहता है ना कि जड़ से खत्म कर देंगे ओके okay? देन जो थर्ड पॉइंट है हाई डेस, हाई डेस में वो होना चाहिए मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट मोस्ट रिलायबल हार्मलेस एंड ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल अंडरस्टैंडेबल लॉज एंड प्रिंसिपल यानी कि जो क्योर है वो सबसे पहली चीज तो और जिन प्रिंसिपल्स का यूज करेंगे हम वो मोस्ट वो प्रिंसिपल मोस्ट रिलायबल होने चाहिए ठीक है यानी कि और जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपीरियंस बेस्ड होने चाहिए ठीक है साइंटिफिक होने चाहिए ठीक है मोस्ट हार्मलेस होने चाहिए यानी कि जो भी है ना क्योर के लिए हम लोग है ना प्रिंसिपल्स लॉज एंड प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं वो हार्मलेस होने चाहिए यानी कि उन प्रिंसिपल से किसी भी तरीके का जो ह्यूमन बॉडी है उसको किसी भी तरीके का कोई हार्म नहीं होना चाहिए एंड लास्ट थिंग जो है जो कि लिखी गई है इजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल मैं थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब बता देता हूँ कि कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब होता है कि आसानी से समझ में आ जाने वाले ठीक है यानी कि जैसे कि ये ना हो कि कि एक एजुकेटेड तो इंसान ही जो है वो उसको समझ पाए ठीक है है ना कि जो होनी चाहिए इजिली कॉम्प्रेहें प्रिंसिपल का मतलब ये है कि इवन एक जो लेमेन है यानी कि जो एक अनपढ़ व्यक्ति भी है वो भी है ना उन प्रिंसिपल्स एंड उन लॉज को समझ सके ओके तो ये जो तीन बेसिक हेडिंग्स हैं या फिर जो बेसिक जर्नरल्स हैं जो कि एक आइडियल ऑफ आईडियल को बनाते हैं ठीक है देन इसी चीज को आगे थोड़ा सा ना फॉर्म में लिखा हुआ है ओके तो जो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था वो था द क्योर मस्ट बी रैपिड जेंटल एंड परमानेंट ठीक है तो इसका ये अब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ब्रॉड में बताता हूँ इसमें ये दिया गया है कि जो क्योर है ठीक है क्योर जो है वो सबसे पहला जो है टर्म के बारे में बताया रैपिड के बारे में कि इसमें दिया गया है कि जो क्योर है वो जितना जल्दी हो सके है ना उतना जल्दी पॉसिबल होना चाहिए क्यों क्योंकि जो डिजीज है डिजीज क्या करिए कि ऑलरेडी है बॉडी को डैमेज कर रही है ठीक है और उसकी वजह से क्या हो रहा है जो पेशेंट है ना वो ऑलरेडी है ना मतलब उस डैमेज से सफर कर रहा है ठीक है बहुत लंबे टाइम से सफर कर रहा है तो हमें क्या है कि हमें ये देखना चाहिए कि पेशेंट है ना ज्यादा टाइम तक है ना सफर ना करे ठीक है तो इस वजह से हमें जो क्योर करनी चाहिए वो ईजिली एज, एज अर्ली एज पॉसिबल यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें है ना क्योर की तरफ बढ़ना चाहिए या उसको क्योर करना चाहिए ठीक है देन आगे uh, इसमें है कि सो किज बोज इट इज एडवाइजल टू क्योर द पेशेंट हाँ वही है कि है ना कि आ, जो पेशेंट को है ना जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी है ना क्योर करें ठीक है अगर हम लोग हिस्ट्री के है ना बहुत महान फिजिशियंस जो थे हमारे मतलब पाइनियर्स थे उनको देखेंगे लाइक like, हिपोक्राइड्स डाइसक्राइड्स एस्टेरियस पैरासेल्सियस है ना इनको देखेंगे तो उन्होंने भी सेम चीज़ है ना बताई है कि रैपिड होना चाहिए जेंटल होना चाहिए पर्मानेंट क्योर होना चाहिए ठीक है आगे हम देखते हैं इस पर आगे लिखा हुआ है कि जो क्रॉनिक डिजीजेस थी मास्टर ऑफ हैनीमैन ने जो अपनी बुक थी क्रॉनिक डिजीजेस उसे मास्टर ऑफ हैनीमैन ने एक कमेंट किया था कि जो इन सीटो ट्यूटो एट जूडेंस यानी कि क्विकली सेफली एंड प्लेजेंटली ठीक है और ये जो कमेंट था उन्होंने और सेल्सियस पे सेल्सियस का ही जो एक स्टेटमेंट था उसको है ना कोट किया था ठीक है तो यानी उन्होंने भी है ना मास्टर हैनीमैन ने भी यही कहा था कि जो क्योर है वो क्विकली होनी चाहिए है ना सेफली होनी चाहिए एंड प्रजेंटली होनी चाहिए ओके okay? आगे इसमें है कि द द पेशेंट पेशेंट मेर रीजनेबली आस्क फ्रॉम द फिजिशियन ठीक है आगे इसमें दे रखा है कि uh, जो पेशेंट है उसको मतलब भाई पेशेंट आए आपके पास तो ऑब्वियसली चीज है कि उसके पास ये पूरा हक है कि वो पेशेंट uh, जो है फिजिशियन से है ना इस चीज को लेके कह सकता है कि uh, डॉक्टर साहब जो है मैं जितना जल्दी हो सके है ना उतना जल्दी आराम पाना चाहता हूँ ठीक है तो ये है और नेक्स्ट इसमें है कि ही इज राइटली एक्सपेक्ट दिस इन एक्यूट केसेस एक फ्रॉम ओकेजनल कॉजेज यानी कि अगर हम एक्यूट केसेस अगर वो एक्यूट केस लेके आ रहा है तो एक्यूट एक्यूट के केसेस में तो आप ये चीज और ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ना पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द है ना रिलीफ पाना चाहेगा ठीक है ऑल्सो इन वेल डिफाइंड इंटरमीडिएट एट टाइम्स यानी कि uh, मतलब यानी कि अगर जैसे कि कुछ डिजीजेस हैं जो कि मतलब है ना बार 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 बीच बीच में आ रही हैं तो उन केसेस में भी है ना पेशेंट जो है आपको कह सकता है कि है ना रीजनेबली कह सकता है कि उसको जो है क्विकेस्ट पॉसिबल रिलीफ चाहिए ठीक है तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओके देन आगे इसमें है ना दिया हुआ है इन ऑर्डर टू क्योर अ पेशेंट स्पीडली स्पीडली इट इज नॉट लॉजिकल टू अप्लाई द हार्मफुल प्रोसीजर्स दैट मेक्स अ पेशेंट कंडीशन वर्स यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि हमने पढ़ा है यहाँ पे रैपिडली ठीक है तो ये नहीं होगा कि हम लोग पेशेंट को ना जल्दी ट्रीट करने के लिए ये किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं है कि हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स का यूज़ करें कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोसीजर्स का यूज़ करें जिससे पेशेंट की जो कंडीशन है वो और वर्स हो जाए क्योंकि देखिए पेशेंट क्या है भाई जब वो सिक कंडीशन में है तो पेशेंट ऑलरेडी सफ़र कर रहा है तो हमें उसको ये नहीं होना चाहिए हमें कि है ना कि नहीं हमें तो पेशेंट को है ना जल्दी ठीक करना है तो हम कुछ है ना ऐसे हार्मफुल प्रोसीजर्स का यूज़ करें कि भाई वो पेशेंट की कंडीशन जितनी पहले खराब थी उससे ज्यादा खराब हो जाए ठीक है हैनीमैन जो थे है ना उन्होंने वो अपने आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि और जो हैनीमैन है? थे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे अपने टाइम के ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट से ठीक है यानी जो मास्टर हैनीमैन के टाइम पे जो जिस तरीके से है और ट्रीटमेंट होता था है ना तो वो उस चीज से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे ठीक है और मास्टर के टाइम पे एक सिस्टम चलता था एक मतलब है ना एक ट्रीटमेंट का सिस्टम चला करता था जिसे कहते थे फिजियोलॉजिकल सिस्टम ठीक है इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये पॉइंट है ना आपको वाइवा में भी मिल सकता है एंड एग्जाम परपज पर से भी ये है ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे पूछा जा सकता है फाइव मार्क्स पे कि ना ब्रूसोस फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या था ठीक है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्रूसस फिजियोलॉजिकल सिस्टम क्या था ठीक है ब्रूसस फिजोलॉजिकल सिस्टम क्या था कि वो एक उसमें जो ट्रीटमेंट के मेथड्स यूज किए जाते थे वो बहुत ही ज्यादा क्रूल मैथड्स है यूज किए जाते थे क्रूल मैथड्स है यानी कि किस तरीके से जैसे कि नीचे अप्लीकेशन है ना यानी कि जो नीचे होती हैं नीचे को बॉडी में है ना मतलब है ना अटैच कर दिया जाता था एज फॉर ब्लड सकिंग ठीक है वेनिसक्शन है ना ब्रूसोस फिजियोलॉजिकल सिस्टम में थे वेनेसेशन में से क्या होता था कि जैसे कि वो लोग कट जो क्या था कि फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑन द नेम ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट वो क्या करते थे कि वेनेसेशन कर देते थे यानी कि कट्स लगा देते थे एंड ब्लड को जो है बाहर निकल देते थे, थे क्योंकि उनका मानना ये था कि जितनी भी हमारी बॉडी में डिजीज हो रही है वो सबकी सब हो रही है वाइटल फ्लू की वजह से ठीक है वो तो अगर हम लोग जो है वाइटल फ्लू को ही है ना मतलब बाहर निकाल देंगे तो क्या रहेगा कि उसी के साथ जो है जो डिजीज है वो भी बाहर निकल जाएगी ओके देन पर्गेशन है ना मतलब पर्गेशन में मान लो कि मान लो उसको कॉन्सिपेशन है या फिर मतलब किसी और तरीके की दिक्कत है तो उनका मानना ये था कि जो हमारी बॉडी में अंदर है ठीक है तो अगर जो अंदर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जिसकी वजह से भी जो प्रॉब्लम हो रही है डिजीज हो रही है मान लीजिए कॉन्सिपेशन हो गया मान लीजिए और डायरिया हो गया या फिर है ना एक्साइड है ना कुछ भी हो गया है ना और डिजीज तो उनका मानना ये था कि जो हमारी बॉडी में अंदर चीज़ें हैं तो उनकी वजह से हो रहा है तो उनका क्या था कि थ्रू जितनी भी हमारी बॉडी में आ, कंटेंट है ना उसको अगर हम बाहर निकाल देंगे या तो फिर वॉमिट के थ्रू या फिर स्टूल्स के थ्रू तो जो आ, डिजीज है वो भी है ना बाहर निकल जाएगी ठीक है एंड ब्लिस्टरिंग है ना मतलब तो उनका ये भी था कि कि है ना ब्लिस्टर्स के थ्रू यानी कि है ना जला देने से है ना दाग देने से भी है ना उनका ये था कि है ना, डिजीज है मतलब जो रूसो फिजोलॉजिकल सिस्टम था ना उसमें बहुत सारी तरीके की क्रूल मेथड्स इस तरीके के यूज होते थे ठीक है एंड हैनी जो थे इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और ये जो क्यों थे डिसअपॉइंटेड क्योंकि ये जो प्रोसीजर्स थे ये पेशेंट को और ज़्यादा है ना वीक बना रहे थे पहली चीज़ दूसरी चीज़ है ना इन जो ये जो प्रोसीजर्स थे ये पेशेंट को इनक्योरेबल बना रहे थे कैसे इनक्योरेबल बना रहे थे क्योंकि इन प्रोसीजर्स की वजह से क्या हो जाता था कि जो पेशेंट की जो वाइटल पावर थी ना वो पूरी की पूरी वाइटल पावर है ना और ड्रेन हो जाती थी ठीक है जब बाइटल पावर जो है ड्रेन हो गई तो फिर है ना पेशेंट जो है ना क्यूर की तरफ कैसे बढ़ेगा ओके okay? देन फिर क्या आता है इसमें आगे कि हेनिमैन जो थे स्ट्रॉन्गली बिलीव करते थे कि आ, जो जितनी भी है ना मेडिसिन दी जाए है ना वो पहली चीज तो है ना हार्मलेस हो और वेल प्रूव हो ठीक है तो हैनीमेन ने इस चीज को प्रेफरेंस दिया है कि होम्योपैथी में जितनी भी मेडिसिन यूज की जाएंगी वो सबसे पहली चीज तो हार्मलेस होंगी एंड वेल प्रूवन मेडिसिन होंगी यानी कि जिन मेडिसिन की सिर्फ प्रूविंग की गई है वही मेडिसिन जो है ना पेशेंट को है ना दी जाए है ना और ऐसी ना नहीं दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू हेम जिनकी प्रूविंग नहीं हुई है ठीक है एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से होम्योपैथी जो है वो एक वन एंड ओनली हार्मलेस मेथड है ठीक है जैसे कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि होम्योपैथी जो है ना उसमें किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट नहीं होते या तो जो है होम्योपैथी से है ना किसी तरीके के ज्यादा नुकसान नहीं होता ठीक है तो वो इसी वजह से है ठीक है ओके okay, आगे इसमें है कि द ट्रीटमेंट मस्ट बी द ट्रीटमेंट ऑफ सिक मस्ट बी डन ऑलवेज इन जेंटल मैनर मतलब इसमें यह है कि जो सिक का जो ट्रीटमेंट है जो बीमार इंसान का ट्रीटमेंट है वो हमेशा एक जेंटल मैनर में होना चाहिए यानी कि मतलब इतनी आराम से है ना होना चाहिए कि पेशेंट को किसी भी तरीके की है ना कोई दिक्कत ना हो ओके द नेक्स्ट पैरा में है कि द टेम्पररी रिलीफ देखो नेक्स्ट पैरा में ये है कि सिर्फ टेम्पररी रिलीफ किसी भी सिम्टम का उसे हम लोग है ना क्योर नहीं कह सकते ठीक है और क्योंकि टेम्प्ररी रिलीव हमने ना लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेम्प्रेरी रिलीव क्या होता है पेलिएशन होता है ठीक है तो हम लोग पेलिएशन को जो है क्योर नहीं कह सकते ठीक है पेलिएशन इन सप्रेशन जो होता है वो किसी भी तरीके से फिजिशियन का एम नहीं हो सकते क्योर के लिए ठीक है कि मतलब है ना फिजिशियन का ये एम नहीं है कि भाई वो कोई भी डिजीज है तो उसको सिर्फ पेलीएट करना है या फिर मुझे है ना सप्रेस कर देना है फिजिशियन का जो मेन गोल होना चाहिए जो मेन एम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि वो उसको परमानेंट क्योर करे ठीक है क्योर की जो रियल डेफिनेशन है उसके बेसिस पे क्यों करे नेक्स्ट है कि uh, क्योर क्या होता है ठीक है कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ है ठीक है जो हेल्थ की स्टेट से जो ऑल्टर हो गई थी है ना उसको वापस है ना नॉर्मल स्टेट में लेके आना ठीक है वही है क्योर ठीक है एंड क्योर जो है हमेशा ही परमानेंट मैनर में है ना होनी चाहिए परमानेंट मैनर में मतलब में ये मतलब है कि, ना, कि कभी भी है ना, जो, जो है वो उसमें जो टोटालिटी है, है होने चाहिए बाई रूट ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए फिर से वापस आ जा रहे हैं फिर से वापस आ जा रहे हैं ओके देन आगे इसमें है कि अकॉर्डिंग टू द आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ होम्योपैथी द्योर इज ऑन हाँ ये इसमें बस ये की अगर होम्योपैथी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि जो पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसका रिमूवल ठीक है 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 ना आ, या फिर जो आ, है पेशेंट में उसका रिमूवल ठीक है का मतलब ये होता है कि जो पूरी की पूरी टोटालिटी है जो पूरी टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स है ठीक है उसका जो है ना उसका रिमूवल ठीक है टोटेलिटी ऑफ द सिम्टम का रिमूवल मोस्ट रैपिड जेंटल इंपावरेंट मैन ओके ओके okay, तो जो सेकंड पॉइंट है है वो द क्योर मींस रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज फ्राम इट स्रूट इसका मतलब यह है कि जो क्योर है क्योर का मतलब ये होता है कि रिमूवल या डिस्ट्रक्शन करना डिजीज का फ्रॉम इट्स रूट्स यानी कि हमें जो क्योर है उसमें क्या होना चाहिए कि जो और जो डिजीज है उसका रिमूवल फ्रॉम इट्स रूट्स करना है ये नहीं कि है ना हम लोग है ना सिर्फ और सिर्फ है ना उसके एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन उसको ट्रीट कर रहे हैं है ना और जो डिजीज है वो तो अंदर बनी हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए हमको जो डिजीज है यानी जो टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स है उसको बाई रूट खत्म करना है ओके तो इसमें आगे दे रखा है इस पैरा में कि आ, इन दिस सेकंड कंटेक्स भी देखो और इस इसपे दे रखा है कि सेकंड कंटेक्स में हमने ये पढ़ते हैं कि जो रिमूवल क्योर का मतलब क्या होता है कि रिमूवल एंड एंडेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स होल एक्स्टिंग यानी कि हमें कंप्लीट जो टोटालिटी है उसका रिमूवल करना है ठीक है और ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता है ओके का मतलब ये कभी नहीं होता कि जो है ना सिर्फ और सिर्फ लोकल से जो होते हैं है ना या फिर जो ट्रबल ट्रेवल सिमटम्स होते हैं ना है ना उसको ट्रीट करना है ना क्यों का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट की इजीनेस ऑफ द लाइफ ठीक है मतलब जो पेशेंट था उसकी जैसी लाइफ चल रही थी वो अपनी हेल्दी लाइफ को इंजॉय कर रहा था ठीक है उसमें उसे किसी भी तरीके की ना दिक्कत नहीं हो रही थी है ना तो हमको जो सिक पेशेंट है ना हमको वापस उसको उसी स्टेज में ना लेके आना है ठीक है जहां पे वो अपनी लाइफ प्रॉपर है ना एंजॉय कर रहा था उसमें किसी भी तरीके का डिसकंफर्ट नहीं था ओके तो ये होता है क्योर ठीक है इन शॉर्ट क्योर का मतलब होता है और क्योर क्योर मस्ट मेक द पेशेंट फिजिकली सोशली एंड फिजियोलॉजिकली फिट यानी कि क्योर का मतलब होता है कि पेशेंट जो हो वो फिजिकली भी फिट हो सोशली भी फिट हो साइकोलॉजिकली भी फिट हो ओके एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट

ओके okay, तो देन नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट इसमें है कि द डोमिनेंट स्कूल ट्राइज टू रिमूव द डिजीज मैनीफेटेशन यानी कि डोमिनेंट स्कूल जो है डोमिनंट स्कूल यानी कि जो एलोपैथिक सिस्टम है वो क्या करता है वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की कोशिश करता है कि जो डिजीज uh, की जो मैनिफेस्टेश है, है ना उनको जो है मतलब है ना रिमूव करने की कोशिश करता है बाई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन ठीक है यानी कि जो एलोपैथिक मेडिसिन रहती है वो क्या करती है कि जो डिजीज है भाई डिजीज तो हमारे अंदर है है ना वो उसकी जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है या जो डिजीज की वजह से जो हमारी वाइटल फोर्स डी हुई है वो जो मैनिफेस्टेशन है ना शो कर रही है तो डोमिनेंट स्कूल क्या करता है यानी जो एलोपैथिक मेडिसिन क्या करती है वो सिर्फ डिजीज की जो मैनिफेस्टेशन है उनको है ना रिमूव करता है ठीक है किससे रिमूव करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन यानी जो उनकी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन या उनकी एलोपैथिक मेडिसिन है उनके थ्रू ओके वो डिजीज को क्योर नहीं करता सिर्फ और सिर्फ उसके है ना मैनिफेस्टेशन जो होते हैं ना सिर्फ उनको जो है मतलब है ना रिमूव कर देता है ठीक लेकिन डिजीज एज इट इज है ना वहां पे बनी रहती है ओके okay? और इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से ये होता है कि जब एक्सटर्नलिस्ट स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट सॉरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से क्या होता है कि जो डिजीज के हम लोगों ने ना मैनिफेस्टेशन को रिमूव कर दिया ठीक है अब मान लीजिए कि जो मियाज है मियाज ने और जो डीरेंज वाइटल फोर्स ने वाइटल फोर्स को डीरेंज कर दिया वाइटल फोर्स जो है अपने अपने, अपने को बता रहा है, है ना कि जो है भाई हम डीरेंज हैं आप हमें क्योर अब आपने क्या किया को रिमूव कर दिया है ना और उससे क्या किया एलोपैथिक मेडिसिन से कि डिजीज को सप्रेस कर दिया तो अब वो डिजीज क्या हुई अब वो डिजीज जो होती है वो अंदर चली गई अंदर कहाँ चली गई में चली गई ठीक है अब जब डिजीज होती है वो एक प्लेस से है ना दूसरी प्लेस पे चली गई है ना फिर क्या हुआ फिर उसने है है, ना देने शुरू जो दूसरी दूसरी तरीके की है ना, फिर सप्रेशन जो है वो क्योर नहीं होता ठीक है सच कंडीशन एलोपैथिक फिजिशियन इज नॉट अवेयर ऑफ सप्रेशन कॉल्स द न्यू डिजीज विद अदर नेम यानी कि को मतलब आप ध्यान से पढ़िएगा इस लाइन का मतलब यह है जब एलोपैथ एलोपैथिक फिजिशियन क्या होता है कि वो अपनी मेडिसिन से जो है ना डिजीज को सप्रेस कर देता है वो डिजीज को उसने सप्रेस कर दिया तो जो और डिजीज है वो अंदर चली गई मोर वाइटल ऑर्गन्स की तरफ और उसने है ना तो सेकेंडरी मैनीफेस्टेशन है से ना दूसरे देने शुरू किए है ना जब वो सेकेंडरी मैनीफेस्टेशन देने शुरू किए तो जो एलोपैथिक फिजिशियन है उसने उस सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन को नाम दे दिया कि ये तो एक नई डिजीज आ गई अब तो या आपको एक दूसरी डिजीज हो गई है ओके okay? तो इसी वजह से और है ना और दिस इज नॉट डिजायरेबल एंड इज वेरी हार्मफुल टू तो, एंड ये जो चीज है कि भाई फिर है ना उसकी एक मतलब है डिजीज को सप्रेस करे दूसरी डिजीज आ गई तो ये डिजायरेबल नहीं है ऐसा हम ना चाहते हैं और ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है ठीक है इसी वजह से जितनी भी डिजीज है ईच एंड एवरी डिजीज टू बी रिमूव्ड टोटली इन ऑर्डर टू अचीव क्योर यानी कि इसी वजह से जो कोई भी डिजीज होती है ना उसको टोटली totally रिमूव करना होता है यानी कि जितने भी उसके साइन इन सिम्टम्स हैं ना फ्रॉम द डी फ्रॉम द रूट है ना, deep, root, ना उसको रिमूव करना होता है तभी क्योर पॉसिबल है ठीक है आगे क्या है कि अगर हम लोग है ना क्योर को परमानेंट है ना मतलब है ना मेजर करना चाहते हैं या फिर जो आ, पाना चाहते हैं अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है कि आ, हम लोग यूज करते हैं हेरिंग लॉफ क्योर ठीक है क्या कहता है मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि क्या होता है, क्या होता है? हमें ये बताता है कि जो हो, रही है, वो हो रही है या नहीं हो रही या फिर जो है क्योर कैसे हो रही है और हम कैसे पता लगाएंगे कि क्योर मतलब जो है ना हो रही है ये बताता है हमें हेरिंग स्लॉफ क्योर ठीक है अकॉर्डिंग टू हेरिंग स्लॉफ क्योर द क्योर टेक प्लेस फ्रॉम टू डाउनवर्ड्स यानी क्योर जो होती है वो ऊपर से नीचे होती है ठीक है विद इन आउटवर्ड्स होती है यानी अंदर से बाहर है ना फ्रॉम मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन यानी कि मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से है ना लेस इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑर्गन ऑफ लेस सॉरी लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस ऑर्गन यानी कि पहले मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होते हैं वो की देना लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो क्यों होंगे एंड द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर ऑफ दिमडम यानी कि जो सिम्टम जो है सबसे पहले आया था वो सबसे बाद में क्योर होगा जो सिम्टम सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले क्योर होगा ओके okay? वैसे तो ये जो है मैं पहले भी समझा चुका लेकिन जस्ट इसके बाद वाले जो टॉपिक है हैरिंग वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा ठीक है तो तब तक के लिए यही है ओके देन फिर जो है थर्ड पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट क्या है हाई स्टैंडर्ड ऑफ का कि द मस्ट बी बेस्ड ऑन मोस्ट मोस्ट रिलायबल हार्मलेस एंड ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल अंडरस्टैंडेबल लॉज इन प्रिंसिपल यानी कि जो क्योर होती है वो बेस्ड होनी चाहिए मोस्ट रिलाएबल यानी कि ऐसे प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होने चाहिए जिन पे हमें बहुत ज्यादा भरोसा यानी कि जो जिनपे हमने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स के रिसर्च के बेसिस पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे है ना मतलब हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया हो है ना और उसको लेके हम बहुत ज्यादा रिलायबल हो ठीक है तो क्यों जिन बेसिस पे बेन और जिन प्रिंसिपल पे मेज होनी चाहिए वो रिलायबल होने चाहिए ठीक है मोस्ट हार्मलेस होने चाहिए यानी कि जो भी हम लोग ना प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर क्योर वो हार्मलेस होनी चाहिए यानी कि वो पेशेंट की बॉडी को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुँचाए क्योंकि पेशेंट की तो हालत ऑलरेडी खराब है वो सिक है ठीक है एंड ईजिली कॉम्प्रहेंसिबल लॉज इन प्रिंसिपल इजिली कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब मैंने समझा समझाता कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ और सिर्फ एक वेल एजुकेटेड पर्सन हो वही समझ पाए इवन एक लेमैन को भी समझ में आने चाहिए ऐसे प्रिंसिपल्स होने चाहिए ठीक okay, है, ओके ना इस लिखा हुआ है जितना भी हमने अभी तक कहना पढ़ा है इससे हमें ये चीज है क्लियर होती है कि जो हाईस्ट साइडल जेंटल होनी चाहिए परमानेंट होनी चाहिए एंड टू अचीव दाइडलोर द फिजिशियन ठीक है और हाई सैडल क्योर को अचीव करने के लिए फिजिशियन को जो है वो मोस्ट रिलाईबल एंड मोस्ट हार्मलेस प्रोसीजर्स का यूज़ करना चाहिए ठीक है थीके? और एक्सपीरियंस हमें बताता है कि जो लॉ ऑफ सिमिलिया है वो ओनली क्यूरेटिव लॉ है ठीक है ये चीज़ हमने कैसे सीखी मतलब है ना हमने कैसे कही कि लॉ ऑफ सिमिलिया ही जो है वो सिर्फ इकलौता जो है वो क्यूरेटिव लॉ है ये हमने सालों की रिसर्च एंड एक्सपीरियंस के और सालों के एक्सपीरियंसिस के बेसिस पर है ना ये चीज़ कही ओके और तो ये जो सिमिलर सिमलेबस क्यूरेंटर है ठीक है यानी कि ये जो नेचर्स लॉ है है ना ये तो नॉर्मल भी है ना नेचर में है ना प्रेजेंट है लेकिन जो है नेचर इज द मोस्ट रिलायबल एंड इटर्नल और जो नेचर जो है वो मोस्ट रिलायबल होता है और इटर्नल होता है बट एट द सेम टाइम नेचर्स लॉ इज नॉट टोटली सेफ टू अप्लाई एज इट इज उसका मैं मतलब बताता हूँ इसका मतलब ये होता है कि जो लॉ लॉफ सिमिलियर है या फिर जो नेचर्स लॉ है है ना वो नेचर्स में नेचर में है ना बहुत पहले से पाया जाता था ठीक है एंड ये एक बहुत अच्छा मोस्ट रिलायबल है और रिटर्नल है लेकिन इसी के कॉन्ट्रास्ट में आप ये भी देखना देखेंगे कि जो नेचर्स लॉफ क्योर है वो क्रूड फॉर्म में सेफर नहीं है याद रखिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है कि क्रूड फॉर्म में तो जो नेचरस लॉफ क्योर है वो क्रूड फॉर्म में सेफर नहीं है याद रखिए तभी जो था मास्टर हैनीमैन ने इसको जो, जो नेचर्स लॉफ क्योर था उसको जो है मॉडिफाई किया था And then, uh, like के और लाइक लाइक के के को मॉडिफाई करके इन्होंने मास्टर हैनीमन ने uh, दिया था लेट लाइक मी क्योर बाय लाइक ओके क्यों दिया था क्योंकि नेचर्स लॉफ क्योर तो पहले ही पहले से एग्जिस्ट करता था ठीक है ट्रीट करता था लेकिन ये था वो हंड्रेड uh, परसेंट जो था ना वो हार्मलेस uh, मतलब है ना हार्मलेस नहीं था सेफ नहीं था ओके okay? तो हैनीमैन ने इसको मोल्ड किया था नेचर्स लॉ को सक्सेसफुली फिर उसको होम्योपैथिक लॉफ क्योर में है ना और कन्वर्ट किया था जो कि था ठीक है और जो होम्योपैथिक लॉ है वो सेफर होता है ठीक अनचेंजेबल होता है अनलाइक है ना एलोपैथिक थ्योरी ठीक है मतलब यानी कि जो होम्योपैथिक लॉ है वो सेफर होता है और अनचेबल इन अनचेंजेबल होता है यानी कि वो चेंज नहीं होता और जो एलोपैथिक थ्योरीज हैं वो तो भाई चेंज होती रहती हैं ठीक है थीक? और टू एक दो होम्योपैथिक सिस्टम को ज़्यादा रिलायबल बनाने के लिए है ना और रिलायबल uh, बनाने के लिए और ज़्यादा साइंटिफिक uh, बनाने के लिए द फिजिशियन हैज़ टू अप्लाई ओनली द वेल प्रूवन मेडिसिन ठीक है मतलब यानी कि uh, जो होम्योपैथिक मेडिसिन ताकि है ना सही से काम करे और जो बेहतर काम करे इसके लिए क्या होता है कि जो फिजिशियन होता है ना वो उन्हीं मेडिसिन का यूज़ करता है जो कि वेल प्रूवन हो यानी कि जिनकी अच्छे से प्रूविंग हुई हो ओके आगे है इसमें कि होम्योपैथिक मेडिसन्स आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव एंड रिप्रूव ऑन द हॉ आगे इसमें दिया हुआ है कि जो होम्योपैथिक हैं वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई हैं रीप्रूव भी हुई हैं और किस पे रीप्रूव हुई है प्रूव एंड रिप्रूव हुई है हेल्दी ह्यूमस पे हेल्दी ह्यूमस पे भी हर एज के हर एज ग्रुप के हर सेक्स में मेल एंड फीमेल्स हर एक पे यहां प्रूविंग की गई है ठीक है जो लास्ट पॉइंट है इसका जो हेल्थोर का है वो है ईजिली कॉम्प्रेहेंसीबल प्रिंसिपल जो कि मैंने पहले भी बताया था इजीली देखो यहाँ पे कॉम्प्रेहेंडेड का मीन क्या कॉम्प्रहेंडेड या कॉम्प्रसिबल का मतलब होता है अंडरस्टैंड understand या अंडरस्टैंडिंग यानी कि जो किसी को भी समझ में तो ये जो लास्ट का जो क्राइटेरिया है हाईस्ट एडल का है ना वो उसे हैनीमैन मास्टर हैनीमैन ने जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट तो कहा है ठीक है तो अब इम्पोर्टेंट क्यों कहा है उसका रीजन हम देखते हैं और देखिए जो थ्योरीज है जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल की यानी जो एलोपैथिक की जो थ्योरीज है ना एलोपैथ्स की जो थ्योरीज है वो बहुत ज़्यादा है ना कन्फ्यूजिंग है इवन एक वेल एजुकेटेड पर्सन एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा पर्सन भी उनको नहीं समझ पाता है ना भाई सिंपल सी चीज है यार एलोपैथिक और ट्रीटमेंट में जो होती है ना रिसर्च पे रिसर्च रिसर्च पे रिसर्च और हमें वो समझना मुश्किल होता है बहुत पढ़े लिखे अब भाई हम तो डॉक्टर हैं एक बार को हम समझ सकते हैं ठीक है हमें भी है ना समझने में दिक्कत आती है लेकिन है ना बाकी लोग जो मतलब मेडिकल फील्ड से नहीं होने तो और ज़्यादा दिक्कत आती है ठीक है तो जो इनका कहना ये था कि जो ऑर्थोपेड ऑर्थोडॉक्स स्कूल है यानी जो एलोपैथिक सिस्टम है ना उनकी जो थ्योरीज है वो बहुत ज़्यादा है ना कन्फ्यूजिंग होती है ठीक है जो टर्म्स वो लोग यूज़ करते हैं है, है ना वो टर्म्स को है ना हमें समझना एक वेल एजुकेटेड पर्सन को भी बहुत ज़्यादा ज़्या मुश्किल हो जाता है ठीक है इसी वजह से यट दे फेल टू फाइंड आउट द रिलाइबल थ्योरेटिव अप्रोच टू डिजीज ठीक है इसी वजह से है ना वो एक पर्टिकुलर एक रिलायबल है ना क्यूरेटिव अप्रोच किसी डिजीज के लिए नहीं बता पाए हैं यानी कि मतलब हाँ कि जैसे कि मान लीजिए कि किसी डिजीज के लिए उन्होंने बताया कि ये क्योर है या फिर है ना इस तरीके से अक्योर होनी है ठीक है तो वो उस चीज से फिक्स नहीं रहते टाइम टू टाइम है ना उनका जो है ना वो बदलता रहता है है ना रिलायबल नहीं रहता यानी टाइम टू टाइम उनका बदलता रहता है मान लीजिए आप ये अब उन्होंने कहा कि एक नई हमने रिसर्च की है ये ऐसे नहीं है ऐसे होता है फिर उन्होंने कहा कि अब हमने नई रिसर्च की है ये डिजीज़ किया चेंज होती रहती है ठीक है जोक्स okay? ठीक है ये आप याद रखिएगा ये आ सकता है वाइवा में भी कि ये लाइन जो है कौन से नंबर के में थी तो ये जो है सेकेंड एब फॉर सेकेंड में है कि टूडेज एडवांस थ्योरीज और टुमोरोज जोक्स इसका मतलब ये है कि जो आज की जो थ्योरी है ना जो आज जो थ्योरी है वो कल के जोक्स हैं क्यों क्योंकि तो भाई जो आज थ्योरी है वो कल बदल जानी है जो कल थ्योरी है वो परसों बदल जानी है ऑन द नेम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बदलती रहती है ठीक है तो हैनीमैन ने कहा है कि हम जो है इन एवर चेंजिंग थ्योरीज पे यानी उन थ्योरीज पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते जो कि भाई है ना टाइम टू टाइम है ना बदलती ही रहती हैं ठीक है थीका? ओके okay. नेक्स्ट uh, जो पॉइंट है नेक्स्ट है कि मैन इज अ पार्ट ऑफ नेचर ठीक है मैन एक नेचर का पार्ट है है ना और डिजीज भी जो होती है वो नेचुरल डायनेमिक फोर्स की वजह से होती है वजह से होती है ठीक है तो जो क्योर होगा ठीक है तो क्योर भी जो होगा वो भी होगा नेचर्स के अकॉर्डिंग ठीक है नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग ठीक है और ये जो नेचुरल लॉ है है ना वो इजीली समझ में भी है ना आ जाना चाहिए एक लेमेन को भी है ना यानी कि एक अनपढ़ व्यक्ति को भी आसानी से जाना समझ में आ जाना चाहिए ठीक है तो वो लॉ कौन सा है तो उन्होंने वो लॉ बताया था कि वो है लॉ ओके और ये जो नेचर लॉ है इसको है ना उन्होंने ओके ना, है, है तो उन्होंने है, है ना इसको नेचर्स लॉ है लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक है ना इसको एक्सप्लेन किया एफर ट्वेंटी सिक्स में ठीक है और इन्होंने वही बताया कि ना कि हम लोग ना आर्ट सिमिलर मेडिसिन वगैरह यूज करेंगे तो जो है और नेचुरल डिजीज जो होती है क्योर हो जाएगी ठीक है एंड होम्योपैथिक लॉ ही है वही है ना हायर सेल्ड क्योर कर सकता है ओके देन फिर लास्ट लाइन है कि नेविगेट्स द होम्योपैथिक फिजिशियन इन द द वॉइस टू हाई हायर सेल्लेफ क्योर मतलब यह है कि uh, जो मास्टर हैनीमेन थे उन्होंने uh, ये चीज कही है ओके okay, तो ये है कि मास्टर हैनीमन जी तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि द फिजिशियन हैज़ टू कीप इन माइंड दैट क्योर इज नॉट एन एक्सीडेंटल वन बट द परफेक्टली मतलब मास्टर हैनीमन ने ये चीज़ कही है कि आ, जो फिजिशियन है उसको ये चीज़ ना याद रखनी चाहिए कि जो क्योर है वो एक्सीडेंटल वन नहीं होती यानी जो मतलब ऐसे नहीं होता कि भाई अपने आप मतलब किसी वजह से हो गई वो तब होती है जब हम लोग है ना प्रॉपर लॉ ऑफ सिमेलिया को फॉलो करेंगे ना क्योर तभी पॉसिबल है तभी हम लोग है ना एक रैपिड जेंटल एंड परमानेंट तो मैनर में है ना क्योर को कर पाएंगे ओके तो ये था फोर नंबर सेकंड के बारे में कंप्लीट उसका एक्सप्लेनेशन तो अगर इसके बाद भी अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है द हम